दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि घर में आप बेलीफ यानी कि तेज पत्ते का पौधा कैसे उगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा तेज पत्ते का पौधा है और मैंने इसकी जो अच्छी जो बड़ी पत्तियां थी अच्छे से पक गई थी, तो उनको मैंने तोड़ के हटा के उनको स्टोर कर लिया है। देखिए, मैं आपको मेरा पूरा प्लांट दिखाऊँ यहाँ से ये। और इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी यहाँ से, और बहुत सारे जो बड़ा हो गया था तो मैंने उसको ऊपर से काट दिया था, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। और उसको मैंने, इसकी जितनी भी पत्तियाँ हैं सारी पत्तियाँ मैंने तोड़ के ले ली थी और वो मैंने स्टोर करके रखा है। वो अब मेरे किचन में जो खाना बनता है उसमें मसाले के तौर पर मेरी जो पत्तियाँ हैं काम आ रही है। और ये देखिए आप, बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ दिख रही हैं ये सारी मेरी तेज़पत्ता के पौधे पर, सारी न्यू लीव्स हैं, सारी नई पत्तियाँ आई हैं और अभी तो और भी आ रही हैं क्योंकि बाहर का सीज़न आ गया है अब, तो इसलिए इस पर नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो इस मौसम में कोई सा भी पौधा अगर आप लगाते हैं, अगर उसको डेली वाटरिंग करें और थोड़ा सा सेमी शेड में रखें तो वो अच्छे से पौधा ग्रोथ कर सकता है। तो ये तो हो गई इसके बारे में, और अब बात करते हैं इसको मैंने कैसे लगाया है, क्योंकि ज़मीन तो अगर आपके पास नहीं भी हो फिर भी आप इसको किसी बड़े पॉट में या जैसे भी आपकी सुविधा हो, बकेट में या मिट्टी का गमला हो या सीमेंट का गमला हो, आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको लगा रखा है, ये एक प्लास्टिक की बकेट है इसके अंदर लगा रखा है। तो इसमें मेरे ये टमाटर के दो प्लांट भी लगे हुए हैं और धनिया भी उगा हुआ है, लेकिन मैंने इसे यहाँ से भी हटाया नहीं है। तो अब इसका किचन में क्या यूज़ किया जाता है मसाले के तौर पे, ये तो सभी आप सभी जानते ही हैं। और इसी पे मैंने एक, इसके जो आयुर्वेदिक गुण है, आयुर्वेदिक यूज़ इसका क्या क्या होता है, इस पे मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी की बात करें, इसमें बालू दोमट मिट्टी है, इसमें काली मिट्टी भी थोड़ी सी मैंने रखी है, लाल मिट्टी है और कुछ रेत है। इसके अलावा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है और गाय का गोबर यानी कि काउ डंग कंपोस्ट भी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। और वाटरिंग में इसमें टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, इसको सूखने नहीं देता हूँ क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। और हो सके तो आप इसको ग्रीन नेट इस पर रखें ताकि डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना आए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो इसमें देखिए पत्तियाँ बर्न हो सकती हैं। ये देखिए, मैं एक पत्ती दिखाऊँ आपको, ये न्यू आई हुई थी और ये बर्न होने लगी है। तो आज या कल में मैं इस पर ग्रीन नेट भी लगा दूँगा, तो ग्रीन शेड होने के बाद से ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। और आप चाहें तो इसमें खाली गाय का गोबर या केंचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट वो भी दे सकते हैं। मेरे पास दोनों पड़े थे तो इसीलिए मैंने दोनों का यूज़ कर लिया, दोनों इसमें दे दिए और पौधे की ग्रोथ अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसके औषधीय गुणों के और इसका आयुर्वेदिक क्या उपयोग किया जाता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इन सब के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।